अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वी आर बैक टू न्यू वीडियो। तो यार आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने हमारे कहने पर, तो हम आप लोगों के लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो ला चुके हैं। तो आप लोग यार चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल। यार चले यार, जो हमारा टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान, ये जो दोनों ममालिक हैं ये दोनों ही डेंजरस हैं। आए दिन इनमें सुनाई देती है कि भाई कभी इस ममालिक ने बम फेंक दिया, कभी उस ममालिक ने बम फेंक दिया। तो भाई ये दोनों आपस में यूं हैं, मतलब कि टसल चलती रहती है आपस में कि हम ऊपर है तुम्हारे से, हम ऊपर है। आप यही देख ले नमूना एक जो क्रिकेट स्पोर्ट मैच में भी एक दूसरे को नहीं छोड़ते, एग्रेशन चलता रहता है, जंग हो रही है। यहाँ पर वीडियो चल रही होगी, आप देखें कैसा एग्रेशन कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर हम बात करें इंडिया के पास पावर तो बहुत है भाई इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास भी पावर बहुत है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन आपको बताएं तो बीपी बताएं कि पॉपुलेशन कितनी है। ये बताने से पहले हम आपको ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी बार जो है आपस में टसल हो चुकी है, मतलब जंग हो चुकी है। जो आपको पता चाहिए वो सबसे पहली जंग हुई थी वो 1947 में, पाकिस्तान कामयाब हो, जो आप सबको पता बताने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया जानती है कि हमने जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद अपना पाकिस्तान एक मुल्क, छोटा सा मुल्क हमने हासिल कर लिया था। जो आज हम आजाद सांस ले रहे हैं माशाल्लाह, जो हम लोग आजाद फिजा में बैठे हैं, और जिस आप गजा के हालात देख रहे हैं आप, उसके बतौर अगर हम देखा जाए तो हम पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि हम लोग आजाद हैं, हम एक आजाद सांस ले रहे हैं हवा में, आजाद मुसलमानों का मुल्क है। और फिर जो दूसरी जंग हुई थी हमारी 1965 में हुई थी, 1965 में खतरनाक जंग हुई थी, जो हम लोगों ने उनके भारतीय जो है सारे टैंक जो है हम लोगों ने जो है कब्जे में ले लिए थे, बड़ा खतरनाक वो भी एक वाकया था। उसमें हमारे लोग काफ़ी जो है फौजियों की जान गई थी, जो बॉर्डर पे जो हमारे फौजी जो खड़े हैं हम उनको सलूट पेश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, उनका बहुत सलूट पेश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई। जंग हुई थी हमारी 1971 में, 1971 में भी हुई थी, 1971 में एक जंग हुई थी, जंग हुई थी, और आखिरी जो हुई थी 1999 में भी हुई थी। 1999 में देखा जाए अगर हम कुल मिला के मार जा करें तो चार हुई थी, छोटी सब चार छोटी मोटी जो है छोटे मोटे मुकाबले तो होते रहते हैं। आप देखते हैं बॉर्डर पे कश्मीर के उसमें वहाँ पे, और तो अगर हम आपको बताएं तो इंडिया के पास पावर बहुत है, इंडिया अपनी अपनी क्रिएशन कर रहा है, वो अपने ममालिक में क्रिएशन कर रहा है। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान चाइना और तुर्की की हेल्प ले रहा है, मतलब कि मिसाइल बनाने में। तो अगर हम देखा जाए तो चाइना हमारे साथ है। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपको एक बात और याद दूं, कारगिल की जंग याद है आपको? कारगिल की जंग अगर हम देखें, वो जब याद आती है जंग तो कारगिल मुझे बहुत याद आता है कि यकीन करें कारगिल को हमने पूरा अपने पास ले लिया था, पूरा कश्मीर हमारे पास आ चुका था, हमारे मुशर्रफ साहब ने जो है कारगिल पूरा हमें ले चुके थे, बंडर में हमारे पास आ चुका था पूरा, यकीन करें। अगर बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती जो भी थी एक्स वाई ज़ेड, इस बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन कारगिल का वाकया जो है पूरी दुनिया याद करती है, इंडिया भी याद करती है, कहता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है उनकी शहरक पर पैर रख दिया था हमने, देखा बस एक कॉल थी और सारा पाकिस्तान के अंदर में कश्मीर आ चुका होता, आज़ाद हो चुका होता। चले आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता रहे थे कि चाइना हमारे साथ है, खुशखबरी की बात देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो डरता है चाइना से, जब भी पाकिस्तान के ऊपर मतलब वो हमला नहीं करेगा वार दोबारा, क्योंकि चाइना हमारे साथ है। क्योंकि इसकी अगर हम वजह पूछें, अगर आप पूछें तो मुझसे वजह, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि जो आदि जो हमारा पूरा पाकिस्तान है उसके अंदर चाइना ने अपनी इन्वेस्ट बहुत करी, इन्वेस्टमेंट बहुत की उसने जो है, तो कभी नहीं जाएगा कि पाकिस्तान सी पैक खुली में भाई पूरे आधे पाकिस्तान में। अगर इंडिया ने कुछ भी मिसाइल वगैरह मारा तो उनकी जो सी पैक है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने नुकसान बहुत हो जाएगा, पैसा लगाया उन्होंने, और पाकिस्तान की यही ताकत है कि चाइना हमारे साथ है, क्योंकि इंडिया अभी फुल कोशिश में कि चाइना की वो टक्कर पर आए और फिर वो हमला करे। अच्छा काशान, मैं इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें पाकिस्तान को चाहिए थोड़ा मोहतात होकर भी चले, ठीक है दोस्त है फ्रेंड है, उन्होंने हमारी इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमारे जो है दुश्मन कहाँ कब कैसे पैदा हो जाए, कुछ मुसलमानों का हर जगह दुश्मन है। अगर हम गजा को देख लें कि गजा में किस तरह से जो है वहाँ पे जो है इसराइली जो है हमला कर रहे हैं, ये हुए तो उसका भी काफ़ी जो है पुराना चैप्टर चलता हुआ आ रहा है कि उन्होंने ज़मीनें बेची थी उनको, तो बहरहाल उसी लिहाज से अगर हम पाकिस्तान को दिखाया तो पाकिस्तान भी यही कर रहा है, रखना चाहिए क्योंकि चाइना कब्जा ना कर ले, अगर जो है उन्होंने चाइना के हैंडओवर कर दिया है तो आहिस्ता आहिस्ता वही माहौल बन रहा है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि चाहिए थोड़ा एहतियात करना चाहिए, लेकिन भी खैर दोनों आपस में यार भाई भाई, हम तो यही चाहते हैं कि भाई सारे मिलजुल के रहें, लेकिन बस कुछ लोग हैं। मुझे इस बात पे थोड़ा इंडिया की बात पे मुझे एक चीज हिस्सी आती है और याद आता है, अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी, चाय पिलाई थी, वो बात है 27 फरवरी। अच्छा खाना वाना भी खिलाते हैं हम,
लेकिन फिर बजट नहीं था हमारे पास, बजट नहीं था, हमें सिर्फ चाय पिलाने के पैसे थे, हमने सिर्फ आपको चाय पिलाई और जाओ भाई अल्लाह हाफिज़। हम रख नहीं सकते ना आपको, बजट आपका बजट बहुत ज्यादा है, बजट बहुत ज्यादा है, इंडिया वाले बहुत ज्यादा है, तो हमने उनको भेज दिया था किसी भी तरीके से। 2019 में हुआ था वाकया, शायद 2019 में हुआ था, 21 या 22 पता नहीं है, 21 या 22 में जो उनके अपने जहाज गिरा लिए थे अपने पास, उनके जहाज घुसने की कोशिश करते हैं हम गिरा लेते हैं और जो है उनको हम गिरफ्तार कर लेते हैं जी। और हालांकि आप देखा जाए तो इंडिया के पास कितनी पावर है, अगर हम रैंक बताएं मिलिट्री रैंकिंग क्या है उनकी, इंडिया की है 14 नंबर पर, मतलब जो टॉप 10 वर्ल्ड लिस्ट लार्जेस्ट जो वो आती हैं मिलिट्री, उसमें पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। बेसिक फैक्ट बताते हैं ना, बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक फैक्ट बताते हैं हम आपको, एरिया एरिया पाकिस्तान है सिर्फ 8 लाख स्क्वायर, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा पॉपुलेशन की बात करेंगे, अशांत पॉपुलेशन आवाम, आवाम इंडिया की ज्यादा हो गया, 142 करोड़ आवाम है इंडिया की, 142 करोड़ वो खिलाते कहाँ से होंगे। देखें अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 24 करोड़, सिर्फ 24 करोड़। अच्छा उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो इंडिया में भारी है, देखिए पाकिस्तान नहीं समझता इंडिया से, अगर वो हमारी मिलिट्री पावर उनके ऊपर वो हो जाए ना हावी तो वो डरते हैं। हाँ मतलब हम देखें, आप इससे अंदाजा लगा लें जो भी 27 फरवरी को वाकया होता है उसमें हमारे जो मिलिट्री जवान है उन्होंने उनके कैसे जो क्या कहते हैं जहाज है क्या किस तरह हमने जहाज जहाज गिराए थे हमने उनके, देखें अब आप इससे अंदाजा लगा लें। अल्लाह पाक ने इतनी पावर दी है हमारे पाकिस्तान को, बस अल्लाह पाक का हमें शुक्र करना चाहिए जितना करें उतना कम, कि पाकिस्तान हमारा बहुत मजबूत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे, तो हमारी पाक फौज को सलाम है, सलाम है भाई, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, हर टाइम एक्टिव रहते हैं भाई, इंडिया वाले मौके में कभी अपनी नजर हटाए हमारे ऊपर से कब हम हमला करें। अच्छा ये शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान बहुत समझदार और सोच समझ के फूक फूक कदम रख रहा है, हालांकि बहुत से लोग बुराइयां करते हैं पाकिस्तान की, बहुत से मालिक बुराइयां करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख ले भाई, पाकिस्तान हमेशा से है, हमेशा रहेगा और हमेशा कायम रहेगा, भले आप देखेंगे 7वें नंबर पे लेकिन वो इंडिया फिर भी भारी है इंडिया पे 14 नंबर। अच्छा जीडीपी टैक्स की बात करें, जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान है इंडिया है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन डॉलर भाई, बिलियन इतना कमा रहा है वो जीडीपी, इतना कमाता है, और सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो 340 बिलियन डॉलर, 340 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन भी नहीं है, देखें अब आप 340 बिलियन डॉलर, ठीक है। अच्छा डिफेंस बजट की बात करें काशान, डिफेंस बजट की कितना किसका किसका ज्यादा होगा, इंडिया का ऑब्वियसली, इंडिया का ऑब्वियसली, इंडिया का पता कितना है, 75 बिलियन डॉलर, 75 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर, देखें ये भी कितना ज्यादा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर। अगर बात करें मिलिट्री पावर की काशान, मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो 4थे नंबर पे आता है इंडिया, जो अभी मैंने आपको बताया, और पहले 7वें नंबर पे आता है पाकिस्तान, 7वें। अगर आमने सामने हम रख के देखें दोनों मिलिट्रियों को तो पाकिस्तान ऊपर है, मतलब कि पाकिस्तान को इंडिया अभी तक हाँ पछाड़ देता है, पाकिस्तान इंडिया को पछाड़ देता है। हाँ हम आपको पंजाबी लैंग्वेज में बताया तो आपने वो देखा ना, अभी को चाय पिला के हमने भेजा था 27 फरवरी का, चाय पिला सकते थे क्योंकि इतना बजट होता है हमारे पास, आप 27 फरवरी का ही उठा के देख लें भाई, खाना वाना भी खिलाते अगर बजट ज्यादा होता हमारे पास, चाय पिलाने का बजट तो हमेशा। आप देखें अगर इंडिया ने हमारे मुल्क में कितनी घुसने की कोशिश करी है लेकिन हम लोगों ने पकड़ लिया, गर्दन से पकड़ा, वापस जाओ, हालांकि वो हमारे कबूतर पकड़ते ही रहेगा, बस उनके आप दोस्त हमारे इंडियन समुद्र में हदूद में घुस गई थी, उसको लॉक कर लिया था, इसको वापस ले जाओ उड़ा देंगे इसको, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताते हैं ग्राउंड पावर की बात करते हैं कशन, जो उनकी एक्टिव फौज है ना, जो एक्टिव फौज है जंग वंग लड़ने के तैयार खड़ी होती है, उसकी 14.5 लाख कितने होता है, और पाकिस्तान की दिखाएं तो पाकिस्तान की आधी से भी आधी, 6.5 लाख आधी से भी आधी भारी है भाई हम उन पर, क्यों, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। देखिए आवाज आ रही है, जहाज भी हमारे ऊपर से जा रहा है, देखिए सब रेडी है, एनी टाइम सब रेडी है हर वक्त, और इंडिया चाहता है कोशिश नहीं करना कुछ भी करने की, और इंडिया चाहता है कभी भी इधर उधर पाकिस्तान का ध्यान हो उसके ऊपर हमला कर दे इंडिया। हाँ कसन बात करें, अच्छा मेन टैंक जो टैंक जो इंडिया के पास है 4700 प्लस, इसके ऊपर है 4700 प्लस है, पाकिस्तान के पास 3800 शुक्र इसमें, मतलब कि 300-400 पीछे है पाकिस्तान, थोड़ा सा फर्क है, चले कोई बात नहीं, तो ओके, लेकिन फिर भी हम भारी हैं, कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं कशान। अगर हम वेपन गन्स की बात करें, आठ गन्स की बात करें तो उनके पास 150 प्लस है, 150 प्लस
और हमारे पास है 800 प्लस। 800 प्लस क्यों? इसमें हम भारी हो गए, ऊपर हो गए भाई। जबकि इंडिया की तो हर चीज़ ज़्यादा है। देखिए आप, इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। गलती हो गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ में हम कम है, तो इसमें क्यों ज़्यादा? देखिए 150 दो डॉट स्केल की अगर हम बात करें तो क्वान्टिटी बढ़ा के पास है 3300 प्लस। 3300 प्लस पाकिस्तान के पास है 3200 प्लस। 3200 प्लस ठीक है। और अगर आगे बात करें हम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो है ना, इंडिया के पास 1100 प्लस है। 1100 प्लस पाकिस्तान के पास 1800 प्लस है। 1800 प्लस है जी, यही इंडिया में, क्योंकि रॉकेट हमारे पास ज़्यादा है, थोड़ा वो पीछे रहता है कि हम रॉकेटों की बमबारी ना करते ना। देखें हम जैसे ईरान ने किया था अभी इसराइल के ऊपर। कैसा, आगे बात करते हैं हम, अगर हम बात करें एयर पावर की अगर हम बात करें, वेपन ही लगा लें एक तरीके से आप, यार हवाई मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास है 2500 और हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है 1500 एयरक्राफ्ट है हमारे, हज़ार का फर्क है। हाँ अच्छा, और फाइटर्स की बात करें तो हमारे पास इंडिया के पास है 570 फाइटर्स। 570 मतलब जो फाइटर प्लेन होते हैं यार। हाँ, और इंडिया पाकिस्तान के पास है 400 फाइटर्स। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इंडिया पता नहीं क्यों पीछे रहता है। देखिए आप, उनके जहाज गिरा लिए थे हमने, हमारे दूध मांगा, डरते हैं भाई इंडिया, क्योंकि हमारे जो जवान है वो फास्ट है। हाँ, और अगर हम बात करें अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें, अगर हम जो अटैक करते हैं ना, 130 है इंडिया के पास, 130 और पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 90 हमारे पास है, 90 है लेकिन 900 के बराबर है। एक जहाज हमारा 5 गिराता है एक साथ। चले आगे बढ़ते, खैर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें काशान, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया के पास है 150 150 हेलीकॉप्टर है, 150 और पाकिस्तान के पास 130 है। अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, इंडिया के पास है 164 और पाकिस्तान के पास है 170। यार ये जो अभी न्यूक्लियर पावर की बताई है कि दोनों की सिर्फ 6 का फर्क है भाई, 6 के फर्क में आप देखें तो जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का जो मतलब के चांसेस होते हैं, तो इससे काफ़ी ममालिक की जो सांस होती है वो अंदर हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही ममालिक न्यूक्लियर पावर है, रखते हैं ये। देखिए जंग किसी की भी हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, एक्सवाइजर किसी भी मुल्क की हो, पूरी दुनिया जाएगी और पूरी दुनिया में से कई बड़े ममालिक ने नुमाइंदगी कर दी है कि जंग अगर हुई, मतलब कि न्यूक्लियर पावर जंग हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हो सकती है किसी वक्त। हाँ, पेशन गोई उन्होंने कर दी है, क्योंकि आपस में जो आप देख रहे हैं चलता रहता कश्मीर के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है यार, उस पर भी हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे भाई पाकिस्तान। चले आशान आगे बढ़ते हैं, हम नेवल पावर की बात करें, नेवल पावर अगर हम बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है इंडिया के पास 2 है, 2 पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं है भाई, इसमें थोड़ा हम पीछे हैं, बात नहीं है, लेकिन हम बाकी चीज़ों में आगे हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं है, दोनों के पास सिफर है। शिप्स की बात करें, तो इंडिया के पास 12 है, हमारे पास 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। चले अगर हम बात करें फ्रैगेट्स की, तो इंडिया के पास 12 है, हमारे पास 9 है, 9 कुछ तो है, 9 हमारे काफ़ी है समंदर के दूध संभालने के लिए, हमारे पास समंदर भी ज़्यादा नहीं है, बहुत है। चले कशान आगे बढ़े, कॉर्वेट्स की, कॉर्वेट्स की बात करें तो कशान इंडिया के पास है 18, पाकिस्तान के पास है 7। सात, हाँ। सबमरीन्स की बात करें अगर कशान, तो इंडिया के पास है 18, हमारे पास है 10। एक आपकी आ गई थी हमारे पास, जो इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो लॉक कर लिया था, वो एक कम हो जाती अगर आप वापस नहीं जाते। जी देखे अब, हाँ, उनको भी हम चाय पिलाते बिठा के, चाय नहीं नाश्ता भी करा देते साथ, जाए क्या रखेंगे। चले खैर कशान, ये हमने थोड़ी आपको नॉलेज अता फरमाएंगे, आप आई थिंक जानते होंगे कि नॉलेज के बारे में आप भी जानते होंगे जी, लेकिन हमने आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया है। तो भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा यार, अगर कोई डाउट हो वो कमेंट में हमें क्लियर कर दिएगा लाजमी, ताकि हम जो आगे जो हम वीडियो बनाएं तो हम उस चीज़ का एहतियात करें। मतलब जाते जाते कैसा, एक बात और करना चाहूँगा मैं इंडिया से रिलेटेड ही बात है, कि इंडिया में जो हमारे जो मुसलमान है ना, पता है वो कितने होंगे, आप कमेंट में बताएं, फिर हम आप कमेंट से बता दें। तो इसलिए शायद इंडिया डरता है जी, इंडिया डरता है ना, क्योंकि एक आपने शायरी सुनी होगी कि आस्तीन में सांप पाले में, आस्तीन में सांप, दोबारा आगे नहीं, बस खत्म। चले यार, वीडियो ब्लॉग हो जाएगी हमारी, इसी वीडियो को करते हैं ये पर एंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर लास्ट भी कर देना आप लोग यार, आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा सपोर्ट दिखाएगा, जैसे ईरान और जो और पाकिस्तान के बारे में आपने दिखाई है। वीडियो जो हम किस पे रिकॉर्ड करें, कौन सा टॉपिक है बेस्ट है, आप कौन सा टॉपिक आप सजेस्ट करें कमेंट में, हम तो नॉलेज निकालेंगे उसके बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।